फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बताएंगे OA.2 बैकलिंक्स के बारे में। दोस्तों, मैं आपको ऐसे फ्री 10 वेबसाइट के बारे में बताएंगे जो आपको फ्री OA.2 बैकलिंक प्रोवाइड करें। तो कौन सा वेबसाइट इस वीडियो में बताएंगे, पहले जान लेते हैं OA.2 बैकलिंक क्या होता है। दोस्तों, OA.2 बैकलिंक होता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। OA.2 backlinks come from free blogging platform where you can create images, video and other content to create backlinks. आई समझ में, it was one very powerful way to get the favor of search engine. तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट है जो पेड है, बट मैं आपको फ्री तरीके बताऊंगा कैसे एक 97 प्लस डोमेन अथॉरिटी प्लेटफॉर्म से जो OA.2 बैकलिंक आपको प्रोवाइड करे, उस वेबसाइट से आप बैकलिंक कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, फर्स्ट वेबसाइट आता है site.google.com। दोस्तों, इस वेबसाइट से आराम से आप OA.2 बैकलिंक बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, आपको बहुत इजी है। इसमें जस्ट आपको एक जीमेल आईडी से लॉग इन होना है, आपको ब्लैंक साइट में जो ब्लैंक साइट दिख रही है उसमें प्लस बटन में क्लिक करना है और आप एक साइट बना सकते हो ड्रैग एंड ड्रॉप करके। तो बनाना बहुत ही इजी है। इसकी स्पेशल वीडियो चाहिए तो अब मैं बता दे रहा हूँ, कमेंट कर दे, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बट अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्यों, मेरे को 10 वेबसाइट के बारे में बताना है। तो एक site.google.com वेबसाइट से आप आराम से एक OA.2 बैकलिंक बना सकते हो। अब देख सो, मैं बहुत सारे वेबसाइट का बैकलिंक बना चुका हूँ, ये बहुत इजीली बनाना है। इस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी 97 प्लस है। तो चलते हैं सेकंड वेबसाइट की तरफ। सेकंड वेबसाइट है evennote.com। दोस्तों, इस वेबसाइट से भी एक OA.2 बैकलिंक बना सकते हो जस्ट फ्री। इसमें प्राइसिंग तो है बट स्टार्ट फ्रॉम फ्री, आप एक साइट का बैकलिंक आराम से बना सकते हो। अब स्टार्ट कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। इस साइट का डोमेन अथॉरिटी भी 90 प्लस है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। इस वेबसाइट में बैकलिंक बनाना सेम एज इट इज है, आपको जस्ट एक जीमेल आईडी से रजिस्टर होना है और आराम से इस साइट से भी एक बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। तो सारे वेबसाइट से बैकलिंक बनाना बहुत ही इजी है, ऐसे नहीं है। अगर आप तो ब्लॉगिंग में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो आराम से आप बना सकते हो। मैं आपको जस्ट साइट प्रोवाइड कर रहा हूँ कौन कौन वेबसाइट से OA.2 बैकलिंक बना सकते हो। थर्ड नंबर वेबसाइट है peertrees.com। आप इस साइट के भी डोमेन अथॉरिटी चेक कर सकते हो, बहुत अच्छा डोमेन अथॉरिटी है। इस साइट से आपकी जीमेल आईडी से आराम से एक गेस्ट पोस्ट, एक साइट क्रिएट करके OA.2 बैकलिंक ले सकते हो। फोर्थ नंबर वेबसाइट है format.com। इस वेबसाइट पे भी OA.2 बैकलिंक बना सकते हो, इसकी डोमेन अथॉरिटी 84 है, आप खुद भी चेक कर सकते हो। इस साइट में आपको जस्ट इमेज शेयरिंग साइट है, इसमें आके आपके पोर्टफोलियो डिजाइन आप बिल्ड कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। तो जस्ट इसमें ज्वाइनिंग होने के लिए फ्री है, इसमें थोड़ा बहुत पैसा लगता है अगर आप प्रीमियम वर्जन मतलब प्रो लेना चाहते हो तो। मतलब फाइव नंबर वेबसाइट है ट्रम्बलर। दोस्तों, इस वेबसाइट के बारे में बहुत लोगों को पता है, मेरे को भी ये पता है। इसमें आप इमेज कंटेंट शेयरिंग करके भी OA.2 बैकलिंक ले सकते हो बहुत इजीली। अगर बहुत बंदा सोशल मीडिया से थोड़ा बहुत कनेक्टेड हो तो इस वेबसाइट से बैकलिंक बनाना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसकी इस साइट से बैकलिंक बनाना बहुत ही ईजी है। सिक्स नंबर वेबसाइट है nation.so। इस वेबसाइट से भी OA.2 बैकलिंक ले सकते हो। इसमें आप राइट कॉन्टेंट राइटिंग करके आपका प्लान शेयर करके भी एक बैकलिंक क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों, इस साइट से बैकलिंक करना बहुत ही इजी है। अगर आप थोड़ा बहुत ChatGPT AI सॉफ्टवेयर चला चुके हो या AI सॉफ्टवेयर यूज कर चुके हो तो इसमें बहुत ही इजी आपको बैकलिंक लेना। इस साइट का डोमेन अथॉरिटी 77 से प्लस है। सिक्स नंबर वेबसाइट है penju.com। इस वेबसाइट से भी आप बहुत इजीली बैकलिंक बना सकते हो, या आपको फ्री है, आपको वैसे कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा फर्स्ट टाइम, अगर आपको जीमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना है और ओके अच्छा खासा बैकलिंक लेना है। इस वेबसाइट के लिए डोमेन अथॉरिटी 766 प्लस है और इसमें आप बहुत कुछ करके इमेज शेयरिंग, आप इसमें आर्टिकल लिख के बैकलिंक ले सकते हो। नेक्स्ट वेबसाइट है justpaste.me। इस वेबसाइट से बहुत ही इजीली आप बैकलिंक ले सकते हो, लेकिन इस वेबसाइट का डोमेन अथॉरिटी थोड़ा कम है, 38 है। इसमें जस्ट आपको पेज टाइटल और आपको कंटेंट लिख के आप इसमें लिंक पेस्ट करके आप एक स्ट्रॉन्ग बैकलिंक। लास्ट वेबसाइट का नाम है digo.com। इस वेबसाइट से भी आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग बैकलिंग OA.2 बैकलिंग बना सकते हो बहुत ही फ्री, आप मतलब फ्री है, इसमें बिल्कुल पैसा नहीं देना पड़ता है किसी में। मैंने जितने सारे बताया किसी में पैसा नहीं देना पड़ेगा, इसमें भी आप एक बैकलिंक ले सकते हो। तो दोस्तों, अभी मैंने कैसे बैकलिंक बनाया वो चीज आपको दिखाता हूं, मैं कैसे कैसा हर साइट से बैकलिंक बनाया वो आपको प्रूफ के साथ बताता हूं। सो फ्रेंड, मैंने फर्स्ट जो गूगल साइट से बैकलिंक बनाया जिस ऐसे एक आर्टिकल से लिखा उसमें और मैंने अपना बैकलिंक प्रूफ किया इसमें। अब देख सकते हो तो बहुत इजीली मैंने इसको बनाया, इसमें बनाने में कोई इतना परेशानी नहीं होता। अगर बिगिनर हो तो ब्लॉग लिख सकते हो तो आराम से इसमें से बैकलिंक ले सकते हो। जस्ट यहां से मैंने एक बैकलिंक क्रिएट किया।
उसके बाद मैंने सेकंड वेबसाइट से एवरनोट से कैसे बैकलिंक किया, इसमें भी जस्ट एक टाइटल लिखा मैंने और एक ब्लॉग पोस्ट डाला, ब्लॉग डालने के बाद मैं यहाँ से एक बैकलिंक क्रिएट किया। आप देख सकते हो ये डूफॉलो बैकलिंक मैंने देख तो एक डूफॉलो बैकलिंक यहाँ से क्रिएट हुआ। नेक्स्ट साइट में हम चलते हैं, नेक्स्ट साइट इसमें है peertrees.com। इसमें से मैंने ऐसे तरीके से इमेज स्क्रीनशॉट रिकॉर्ड करके मतलब इमेज शेयरिंग करके एक बैकलिंक क्रिएट किया। सेकंड वेबसाइट में ये सब लॉग इन नहीं हो रहा है इसलिए मैं आपको दिखाने देता हूँ। मैं थर्ड की टम्बलर पे चलता हूँ, टम्बलर पे जस्ट मैंने एक अकाउंट बनाया bloggersolution.in, ऐसे कॉम्प्रिहेंशन गाइड का एक ब्लॉग पोस्ट डाला और उसमें से मैंने एक बैकलिंक क्रिएट किया। थर्ड वेबसाइट से मैंने क्या किया, थर्ड सेम टू सेम प्रोसेस से वेब पॉइंट टू बैकलिंक जो बनाया, एक मैंने आर्टिकल को कॉपी पेस्ट किया, जस्ट यहाँ से एक मैंने बैकलिंक क्रिएट किया। आप देख सकते हो ये एक बैकलिंक मैंने क्रिएट किया। सेकेंड वेबसाइट से मैंने और लास्ट वेबसाइट डीगो जिसको मैं बारे में बता रहा हूँ, डीगो की वेबसाइट से सेम टू सेम प्रोसेस में एक आर्टिकल को कॉपी पेस्ट किया और वहां से एक बैकलिंक क्रिएट किया। अब सारे का बैकलिंक आप देख सकते हो मैं कैसे बनाया, बनाना बहुत ही इजी है, आप इन्हें आराम से काम कर सकते हो। मैंने जितने सारे वेबसाइट आपको बता दिया इसमें से जाके एक वेब पॉइंट टू बैकलिंक ले सकते हो, एक ही बहुत सारे बना सकते हो आप, ठीक है। तो इसमें से बनाना इजी है और इसमें गूगल के नजर में बहुत ही अच्छा है और इसमें कभी भी स्पैम नहीं होगा और सारे वेबसाइट का डीए बहुत हाई है और गूगल रैंकिंग करने में आपको बहुत। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा, वीडियो आपको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सपोर्ट जरूर करना।